हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 14 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आपका ये 15वां चैप्टर है। तो 14वां चैप्टर आपका था प्रसिद्ध नगर उत्तर प्रदेश के और पर्यटन स्थल। ठीक, याद रखिए, आपके जितने भी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं नदियाँ एवं झीलें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ तथा झीलें देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों में गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, सोन, चंबल आदि मुख्य हैं। ठीक, प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थल भी अलग अलग हैं। विभिन्न उद्गम स्थलों के आधार पर नदियों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपकी हैं गंगा, यमुना, शारदा, गंडक। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं आपकी गोमती, वरुण, रिहंद, पांडो, ईसन। और दक्षिणी पठार से निकलने वाली आपकी नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, कैन, सोन, रिहंद तथा कन्हार। बात करते हैं प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों का के बारे में। ठीक है, ये आपकी नदी हो गई, ये उद्गम स्थल है आपका। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र से जहाँ होकर बहती हैं, ये आपकी लंबाई हो गई नदियों की। अपवाह क्षेत्र, वाह क्षेत्र हो गया वर्ग किलोमीटर में, और इनका अंत जहाँ मिलती हैं, इनकी सहायक नदियाँ हैं और नदी पर बंधे मुख्य बांध है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नदियों से, बांधों से कहीं ना किसी पॉइंट को ले ही लेते हैं वो लोग। तो आपको बात करना है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गंगा, क्या गंगा नदी के बारे में। केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से निकलती है। ये आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चली जाती है और ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 2,650 किलोमीटर। ठीक है, कहीं 2,525 किलोमीटर दिया जाता है, कितना, 2,525 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र है 9,51,600 वर्ग किलोमीटर। इसके अंत है ग्वालंदों के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। इसके ऊपर बंधा हुआ है फरक्का बांध और टिहरी बांध। ठीक है, फिर है यमुना नदी, ये निकलती है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान पर 6,315 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 1,376 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र है 3,59,000 वर्ग किलोमीटर। इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा, कैन। फिर रामगंगा, ये निकलती है आपकी नैनीताल जनपद के समीप से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बहती है। इसकी कुल लंबाई 900 590 है। इसका अपवाह क्षेत्र है 32,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है कोह है और कालागढ़ बांध इस पर बंधा हुआ है। फिर है गोमती, ये आपकी पीलीभीत जनपद से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। 940 किलोमीटर है इसकी लंबाई, 30,437 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। गाजीपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सई, जोमकाई, वरना, गच्छई, चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है आपकी, आगे बात करें घाघरा, कौन सी, घाघरा नदी, सरयू, तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचा चुंगर मेनत से निकलती है, राक्षस ताल से, नेपाल, उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी लंबाई है 10,1,080 किलोमीटर।
इसका अपव्यय क्षेत्र है 1,27,950 वर्ग किलोमीटर। ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, शारदा और छोटी गंडक, ठीक है। घाघरा बांध इसी नदी पर है। फिर है आपकी शारदा नदी, ये तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। ये उत्तराखंड में बहती है। 8,480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है धारया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ओल चौका, दहावर, सोहेली। शारदा बांध इस नदी पर बना हुआ है। गंडक है, ये तिब्बत नेपाल सीमा धौलागिरी पर्वत से निकलती है। नेपाल में साली ग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र में बहती है। 300 किलोमीटर है इसकी लंबाई भारत में। इसका अपवाह क्षेत्र है कुल 46,300 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत में है इसका 7,620 वर्ग किलोमीटर। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक है नदी। त्रिवेणी के निकट बैराज इस पर बंधा हुआ है। फिर राप्ती, रोकोम कोट नेपाल से निकलती है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। 640 किलोमीटर की लंबाई है। बरहस के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। आपकी चंबल, चंबल आपकी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य पर्वतमाला की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद में बहती है। 966 इसकी लंबाई है किलोमीटर। 1,43,227 वर्ग किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है कालीसिंध, सिप्ता, पार्वती, वनास, नेवाज, छिपरा, दूधी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इस पर बांध बने हुए, ठीक। गांधी, राणा और जवाहर, ठीक, सागर। आगे बात करें बेतवा, ये आपकी रायसेन जनपद मध्य प्रदेश से निकलती है, कुमरा गांव से, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला से। ये आपकी भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में तथा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक। 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 45,580 अपव्यय क्षेत्र है इसका वर्ग किलोमीटर में। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। धसान और बीना इसकी सहायक नदी है। इस पर आपका माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और राजघाट भी इसी नदी पर है, ठीक है। फिर है आपकी कैन, ये सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 28,224 अपवाय क्षेत्र है इसका वर्ग किलोमीटर में। चिल्ला बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक। फिर है सोन, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से निकलती है। मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद, बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद और भोजपुर जनपद में बहती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 71,259 वर्ग किलोमीटर इसका अपव्यय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के दक्षिणी भाग से होती हुए पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी, वास, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, काहर और घगर। डेहरी में सिंचाई सहायक नदियाँ, सहायक नदी वरास बांध, सागर बांध, रिहंद पर रिहंद बांध भी है, ठीक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। यद्यपि प्रदेश में प्रयाग झीलों का अभाव ही है, फिर भी झीलों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों, गर्तों के जल प्लावित होने से, नदियों के मोड़ों से निर्मित गोखुर झील आदि के अनेक उदाहरण राज्य में दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों, तालों, कुंडों की सूची इस प्रकार है, ठीक है। ये आपके झीलें हैं और स्थान हैं। रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर, बखीरा झील आपकी संत नगर, संत कबीर नगर, करेला व इतौजा झील लखनऊ में, बड़ा ताल गोखुर ये आपकी शाहजहाँपुर, सिरसी जलाशय मिर्जापुर, टांडा दरी ताल ये दरारगढ़ मिर्जापुर,
और आगे बात करें भोगे ताल बब वीसा था वैसे था ताल, ये रायबरेली में लील और कौन सी लील और झील, ये आपकी बरेली में बेती या नैया झील, ये बेती तथा नैया झील है आपकी प्रतापगढ़। जिरगो जलाशय आपका मिर्जापुर। कुंदा समुंदर ये उन्नाव। मोतीबाग गौर झील रामपुर। सुखताल आपका मुजफ्फरनगर। मुरार ताल फतेहपुर। कीमट ताल आगरा। गोविंद वल्लभ पंत सागर अंतिम झील आपकी सोनभद्र। होंदी ताल वाराणसी। राजा का बांध सुल्तानपुर। लोदी बाग भोजपुर ताल सुल्तानपुर। दर्बन झील आपकी फैजाबाद में। ठीक, बलहपारा एक कानपुर में। बरुआ सागर भसनेह जलाशय एक झांसी के पास है। लक्ष्मी ताल झांसी। मदन सागर महोबा। फुलहर झील पीलीभीत। दहर झील आपकी हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज। नोए झील आपकी मथुरा में। राधा श्याम कुंडे आपका गोवर्धन मथुरा। मानसी गंगा कुंडिया ताल गोवर्धन मथुरा में। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, ये कुछ वन लाइनर में दिए गए हैं। ठीक है, कभी कभी भी डायरेक्ट पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियां में आपकी गंगा घाघरा गोमती यमुना सोन चंबल आदि हैं मुख्य। ठीक है, याद रखिए। कौन आगे है, गंगा की लंबाई है आपकी 2655 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। कहीं कहीं यार याद रखिए 2525 किलोमीटर कई जगह दिया रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों में बने फरक्का बांध, टेहरी बांध, शारदा बांध है। झीलों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों, गर्तों के जल प्लावित नदियों के मोड़ों से होता है। उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। सिरसी जलाशय आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश में कीमट ताल आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी ताल आपका झांसी में है। उत्तर प्रदेश में नोह झील आपकी मथुरा में है। कहाँ है, मथुरा में है, याद रखिए। ये थे आपके। आगे हम लोग बात करते हैं इन्हीं से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इनसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ठीक है, प्रश्न कोड। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, यूपी पुलिस हो फिर चाहे UPSI हो, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, UPPCS तक डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है, याद रखिए गोमती। निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपरदन द्वारा बीड़ों का निर्माण हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है। ये चंबल है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन है तीन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये नगर हैं आपके और नदियां हैं। मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे, अयोध्या आपका सरयू नदी के, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है और फरुखाबाद गोमती किनारे नहीं है। इसमें होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है चार, लखनऊ किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो याद रखना गोमती। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये झील है आपकी, ये स्थान है। औंधी ताल वाराणसी में है, औंधी ताल आपका वाराणसी। मूंग ताल सुल्तानपुर, ये गलत है इसमें। बड़ा ताल शाहजहांपुर। कुंदा समुंदर ये उन्नाव में, तो आपका क्या होगा पांच में, पांच का बी होगा। क्वेश्चन नंबर छह, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो आपको याद रखना छह में होगा आपका सी गोमती।
क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में आप इसे कहते हैं करनाली। 7 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर आठ, यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है? तो 8 का होगा आपका डी, कैन। क्वेश्चन नंबर 9, यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखना हिंडन नदी। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है? तो याद रखिए इटावा। क्वेश्चन नंबर 11, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए मोस्टोंग हिमनद। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखना 12 का होगा आपका बी, सहारनपुर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताना है आपको। तो 13 गंगा यमुनोत्री, यमुना यमुनोत्री, शारदा कुडियाला, ये गलत है, घाघरा मार्चा चंगू। इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा नदियाँ गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो याद रखना है अलकनंदा और भागीरथी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नदियां हैं और ये नगर हैं। 15 राप्ती आपकी गोरखपुर, गोमती सुल्तानपुर, यमुना कालपी, घाघरा अयोध्या। ठीक, इसमें होगा बी ऑप्शन 15 में बी। 16, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो 16 में आपका सी, संगम। ठीक है, क्वेश्चन है 17, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखना सरयू। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो याद रखना कोरियाला। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? याद रखना ये हैं टॉन्स और सोन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? यमुना, रामगंगा और गोमती। 20 का आपका ए है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 21, क्वेश्चन है 31, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो याद रखना 3। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सी नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो याद रखना है आपको कौसाम्बी नहीं है, कानपुर है, कन्नौज है, गाजीपुर है। क्वेश्चन है 23, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखना गंगा नदी। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा। ए ऑप्शन सही है, सॉरी 24 का डी है। ठीक है, गंगा। क्वेश्चन है आपका 25, कौन सा है? क्वेश्चन है 25, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना यमुनोत्री हिमनद। क्वेश्चन है 26, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ उनके उद्गम स्थल जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताना है आपको। तो इसमें गोमती पीलीभीत, यमुना यमुनोत्री, शारदा कुडियाला, ये गलत है। इसमें आपका सी होगा, घाघरा मर्चा चंगू, ये सही है। तो क्या होगा इसमें 26 में आपका होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में
केला झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिए लखनऊ में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद बता देना है आपको, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो आपको बता देना है हमीरपुर। क्वेश्चन है 30, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो आपको बता देना है गाजीपुर। 30 का सी है। क्वेश्चन 31, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको बता देना है 31, 2655। याद रखिए अगर 2525 किलोमीटर आता है तो वही सही है। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना डी, काला गढ़वान। 32 का डी। क्वेश्चन है आपका 33, कौन सा है? क्वेश्चन है 33, घाघरा सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखिए अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 34, कैन नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखिए इसमें होगा आपका वांदा। क्वेश्चन है आपका 35, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना मुजफ्फरनगर, ये ऑप्शन सही है। तो चलिए ये थी आपकी नदियाँ तथा झीलें उत्तर प्रदेश की। आगे हम लोग बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन देखेंगे।